नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल न्यूज, आपका शहर आपकी आवाज। आप नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पर। अररिया से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां उत्पाद विभाग की टीम और आरएस थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए टोल प्लाजा के पास से शराब भरे दो ट्रक को जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 70 लाख है। वहीं इस मामले में टीम ने 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इस मामले में मौके वारदात पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में गाड़ी के पीछे आ रहे 4 अन्य लोगों को फोन से बुलाकर नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया गया। अररिया से सिटी हलचल के लिए सुमन कुमार की रिपोर्ट। एक्साइज विभाग के सुपरिटेंडेंट साहब को कि बंगाल से 2 ट्रक जो है, जो PB 11CR 9018 और UP 65D 2829 दो ट्रक पर शराब का खेप लेकर बंगाल से जो है अररिया के थ्रू मुजफ्फरपुर जाने वाला है, इस पर इन्होंने सूचना दी है। तो हम लोगों ने SHO RSOP मनीष कुमार एवं अन्य पुलिस कर्मी RSOP के लगाए और एक्साइज टीम के इंस्पेक्टर साहब और मोहम्मद सिराज अहमद जी और एक्साइज के सब इंस्पेक्टर, ये लोगों का टीम बना और टीम नाका पर तैनात था। किसी क्रम में जो है, जैसे ही गाड़ी, ये दोनों गाड़ी पहुंची, उसको इंटरसेप्ट किया गया और इसमें से जो गाड़ी थी उस पर, पहले गाड़ी जो PB 11CR 9018 पर बलविंदर सिंह और हसनप्रीत थे, ये लोग पंजाबी हैं, और जो बलविंदर सिंह है लुधियाना के रहने वाले हैं, हसनप्रीत जो है ये भी लुधियाना के, दोनों भतीजा चचा भतीजा भी है, गाड़ी पर थे। और एक दूसरी गाड़ी पर कौशल पवार है, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाला है, हापुड़ जिला का। तो ये लोगों को इंटरसेप्ट करके रोका गया, पूछताछ के क्रम में पूछा, बताया गया फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के बारे में कि कहां से आ रहे थे और कहां जाना था। तो ये लोग बताए कि संजीव नाम का है, जो कि सोनापुर इस्लामपुर में शराब इसको लोड किया है। तो इसी बीच में इसके मोबाइल पर जो है बार बार वो फोन कर रहा था, ये बोला गाड़ी पकड़ा गया है, तब ड्राइवर जो है बलविंदर सिंह के मोबाइल नंबर पर बराबर उसका फोन आ रहा था कि क्या दिक्कत है, बोलो हम छोड़वाते हैं। तो बोला कि हमें तो गाड़ी पकड़ा गई है, सो आप छुड़वाने में मदद कीजिए। तो वो बोला कि ठीक है, मैं अपने आदमी को भेज रहा हूँ, सो कहाँ पर छुड़वाना होगा। तो अफसर इंचार्ज और एक्साइज के टीम ने झांसे में देने के लिए कि उसको बैकवर्ड्स लिंक्स पता करें कि कहाँ से आ रहा था, तो एक ये लोग को बोला कि ठीक है, तुम, हम लोग जो है सो इसको छोड़ देंगे, तुम बुलाओ उसको, जो आदमी तुम्हारा है उसको बुलाओ। इसी झांसे पर वो छुड़वाने के लिए वो अपने आदमी को, जो रवि सिंह तथाकथित, जिसका नाम रवि सिंह बता रहा था या संजीव कुमार बता रहा था, उन लोगों ने भेजा, जिसमें कि एक महाराष्ट्र नंबर की गाड़ी पर 4 व्यक्ति आए, रमन सिंह विजय, राम प्रकाश यादव और सुनील कुमार यादव। इसको आने के बाद ये ड्राइवर से ये लोग लेन देन का बातचीत किया, कितना पैसा लगेगा, कितना देना होगा छुड़ाने में, और वो सिविल में पुलिस पदाधिकारी सबको तैनात किया गया था कि इसको किसी तरह झांसे में गिरफ्तार किया जाएगा। तब उसके बाद जब पक्का लेन देन की बात होने लगी, सबूत पूरा कंफर्म हो गया कि हाँ ये लोग ही बैकवर्ड लिंकेज हैं जो कि लेके इन्होंने किया है, तब इंटरसेप्ट करके उस गाड़ी को भी बरामद किया गया, जो महाराष्ट्र की गाड़ी है, 4 आदमी को और गिरफ्तार किया। टोटल कितने लोग गिरफ्तार? टोटल 7 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, और उसके बाद गाड़ी में जो जितने शराब को जब्ती सूची के अनुसार शराब जब्त किया गया, तो 5778 लीटर शराब है, जिसमें विभिन्न ब्रांड है। टोटल 648 पेटी शराब बरामद है, इसमें 750 मिलीलीटर का ml का है, 350 का है और 180 ml का भी शराब है। इसमें अब ये कहां जा रहा था और फिर इसका कहां कहां उतारने का उद्देश्य था, ये सारे बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है और इसको गहराई से छानबीन करके इस नेक्सस जो चल रहा है, ये नेक्सस को हम लोग निश्चित रूप से इसको तोड़ेंगे और इसको तोड़ने में सफलता। कितने की शराब थी, कितनी लागत? ये शराब तो एक्साइज वाले आकलन करेंगे कि कितने के, लेकिन 60-70 लाख रुपए का करीब ये शराब जरूर होगा कॉस्ट, जो कि ब्लैक में आजकल शराब बेच रहा है, तो उसके रेट के अनुसार 60-70 लाख का शराब होगा। और इस नेक्सस को हम लोग ब्रेक करने के लिए एक्साइज की टीम और पुलिस की टीम जो है साथ काम कर रहे हैं हम लोग लगातार अररिया में, और निश्चित रूप से इस नेक्सस को हम लोग तोड़ेंगे। विशाल इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा, वो भी आपके बजट में। प्ले से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई, हॉस्टल फैसिलिटी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए, तो देर किस बात, जल्द आएं और नामांकन करवाएं।